विधान परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवारी दी गई है, जिनका उम्मीदवारी नामांकन सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान भाजपा द्वारा शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, जहां आकाशवाणी चौक से भव्य रैली निकालते हुए भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी उपस्थिति रही। विधान परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भारी जोश देखा जा रहा है। इसका नजारा सोमवार को आकाशवाणी चौक पर देखा जा सकता था। चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवारी मिलने के बाद बावनकुले नामांकन भरने आकाशवाणी चौक पहुंचे थे, जबकि उनके साथ विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी उपस्थिति अपने आप में एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर दर्शा रही थी। ज्ञात हो, भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में कामठी विधानसभा सीट से चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवारी नहीं दी थी, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में असंतोष निर्माण हो गया था। बावजूद इसके पार्टी का कार्य बावनकुले करते रहे और अब उनका राजनीतिक पुनर्वसन फिर भाजपा द्वारा किया गया। ऐसे में सोमवार को दिग्गजों के साथ पहुंचकर भाजपा ने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को चुनौती दी है। नागपुर के लिए टिकट दिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे सभी के नेता नितिन गडकरी जी, हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा जी, महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे जो जवाबदारी मिली है विधान परिषद में काम करने की, महाराष्ट्र की समस्याएं, विदर्भ की समस्याएं, नागपुर की समस्याओं को महाराष्ट्र विधानमंडल में उठाने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से जो विश्वास पार्टी ने मुझे ऊपर दिया है वो पूरा करूंगा और ये पूरा हम जीतने वाले। इसे आम्हाला आनंद आहे की चंद्रशेखर बावनकुळे सारखा आमचा एक सहकारी हा पुन्हा एकदा विधानमंडळामध्ये येतोय। त्यांनी मंत्री म्हणून अतिशय उत्तम काम केलं आणि एक जागरूक लोकप्रतिनिधी कसा असतो हे देखील त्यांनी दाखवून दिलं आणि गेल्या दोन वर्षांमध्ये पक्षाचे महामंत्री म्हणून अतिशय चांगलं काम हे चंद्रशेखर बावनकुळेंनी केलं आणि मला असं वाटतं की आज त्या कामाची पावतीच त्यांना मिळालेली आहे आणि मला विश्वास आहे आमचे नेते माननीय नितीनजी गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक अभूतपूर्व विजय हा या ठिकाणी प्राप्त करू। आमचे ज्याप्रमाणे आपण विचारलं विनोदजी तावडे यांना राष्ट्रीय महामंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आलं हे अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। महाराष्ट्राकरता, महाराष्ट्र भाजपकरता अतिशय अभिमानाची बाब आहे, कारण मला असं वाटतं प्रमोदजी गोपीनाथजी याच्यानंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्राला राष्ट्रीय महामंत्री पदाचा एक मान मिळालेला आहे आणि त्यांना देखील मी मनापासून शुभेच्छा देतो।